लुहांस्क में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग। यूक्रेन की सेना ने लुहांस्क क्षेत्र में एक रेलवे पुल को उड़ाया, रूसी सेना को अंदर जाने में रोका। विस्फोटक लगाने का वीडियो यूक्रेन सेना ने किया जारी। शहर में कब्जे की जंग तेज। मारीपुल जीतने के बाद रूस का जोश हाई। रूसी सेना कामचटका के पास समंदर में किया युद्ध अभ्यास, घातक हथियारों का किया प्रदर्शन। रूसी सेना ने जारी किया वीडियो। अमेरिका ने कीव में फिर से शुरू किया अपने दूतावास का संचालन। करीब 3 महीने के बाद अमेरिका ने अपने दूतावास को खोला। अमेरिकी विदेश एंटनी ब्लिंकन ने कहा, अमेरिका यूक्रेन की सरकार और लोगों के साथ खड़ा। रूस ने यूक्रेन युद्ध में उतारे लेजर हथियार। रूस ने पेरिसिटवेट नाम की एक और खतरनाक लेजर वेपन के सफल परीक्षण का किया दावा। कहा, यह हथियार हवा में उड़ते ड्रोन को पल भर में कर सकता है राख। लेजर से धरती के ऊपर तैनात सैटेलाइट को भी बर्बाद करने का दावा। यूक्रेन की सेना ने रूस के ड्रोन पर किया हमला। पलक झपकते ही रूसी ड्रोन तबाह। रूस पर पहली बार पोलिश मिसाइल का इस्तेमाल। यूक्रेन की सेना ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन की सेना ने रूसी ठिकाने पर किया जोरदार हमला। एक टैंक को बनाया निशाना। कई रूसी सैनिकों की मौत का दावा। यूक्रेन को पोलैंड ने सौंपे अत्याधुनिक T-72M1 और T-72M1R टैंक। युद्ध क्षेत्र में जाते दिखे टैंक। यूक्रेन ने जारी किया वीडियो। अजोवस्ताल में अब तक 1730 यूक्रेनी सैनिकों का सरेंडर। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा, रूसी सेना के घेरे में यूक्रेनी सैनिकों में निकाला गया बाहर। युद्ध के मोर्चे पर तैनात यूक्रेन की सेना। एक यूक्रेनी सैनिक हरे राम का मंत्र करता दिखा जाप। यूक्रेन के बोरोद्वांका शहर में रूस ने पहुंचाया काफी नुकसान। अधिकांश लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं, लोगों के पास राशन भी हो चुका है खत्म।